हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 85। 85 में है, विच हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली वाया SN2। कहने का मतलब है कि SN2 रिएक्शन का सबसे फास्टर रेट आपको किस में देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, चारों ऑप्शन में दिख रहा है कि इसमें फ्लोरिन लिविंग ग्रुप है, इसमें क्लोरिन लिविंग ग्रुप है, इसमें ब्रोमिन लिविंग ग्रुप है और इसमें आयोडीन लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर बोलता है ऑल प्राइमरी हैलाइड्स रिएक्ट विद द सेम रेट इन SN2 रिएक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, प्राइमरी हैलाइड का जो रेट है वो सेम होता है, लेकिन उससे भी पहले हमें देखना होता है कि लिविंग ग्रुप क्या मौजूद है। तो इन चारों में से देखिए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है बच्चों, आयोडीन है। सवाल उठता है कैसे आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि देखिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसका मतलब ये जिसके साथ चिपका हुआ रहेगा, जिसके साथ ये बॉन्ड बनाए हुए रहेगा, तो ये आसानी से बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं, तोड़ना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। जबकि आयोडीन जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये फटाक से बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आयोडीन चूंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो सबसे फास्ट रेट आपको डी में देखने को मिलेगा। 86 में देखिए कहता है विच हैलाइड रिएक्ट मोस्टली मोस्ट रैपिडली वाया SN2। इसमें भी देखिए वही बात बोला है हमसे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि SN2 रिएक्शन के लिए लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। साथ ही साथ जो है कहने का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है 1 डिग्री का, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि लेस क्राउडेड कार्बन पर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसीलिए 1 डिग्री का रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये 3 डिग्री का है तो गया। ये देखिए क्लोरीन भी लिविंग ग्रुप अच्छा ही है, लेकिन ये भी 3 डिग्री का है तो ये भी गया यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर ये 2 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है, और 1 डिग्री के साथ साथ जो है यहाँ पर आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि डी का जो है रेट है वो सबसे ज्यादा होगा। मोस्ट रैपिडली का मतलब सबसे फास्ट रेट किसमें आपको देखने को मिलेगा। 87 में बात करें जरा, ठीक है। 87 में बच्चों हमसे बोला गया है एज्यूमिंग नो अदर चेंजेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डबलिंग ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए अल्काइल हैलाइड का ही कॉन्सेंट्रेशन डबल किया गया है किसमें, किसमें बच्चों, SN1 रिएक्शन में, ठीक है। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉलोइंग SN1 रिएक्शन में। सबसे पहला नंबर तो आपको SN1 रिएक्शन का रेट पता होना चाहिए। तो SN1 रिएक्शन आपको पता है बच्चों 2 स्टेप में होता है, और रेट जो है हमेशा स्लो स्टेप से निकाला जाता है। और स्लो स्टेप किसको बोलते हैं, तो स्लो स्टेप उसको बोलते हैं जब अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटाइन में बदलता है, मतलब फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इसका जो रेट का इक्वेशन होता है बच्चों, उसमें ये केवल अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ फास्ट स्टेप में अटैक करता है, और चूंकि ये फास्ट स्टेप में अटैक करता है तो उससे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि एज्यूमिंग नो अदर चेंजेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डबलिंग ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखिए रेट जो है अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड कर रहा है, और इसी के रेट को डबल किया जा रहा है। तो चूंकि रेट जो है अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इसको डबल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि रेट जो है इक्वेशन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा, है ना। तो 87 का हो जाएगा आंसर बी। अब हम बात करेंगे 88 में, एज्यूमिंग नो अदर चेंजेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि SN1 है कि SN2, अब आपको खुद ही दिमाग लगाना होगा। अब आप सोचिए यहाँ पर जो है कार्बन से ब्रोमीन जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है बच्चों 3-3 मिथाइल जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, और आप जानते हो कि 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड जो है वो केवल SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन साफ साफ बोल दिया, और यहाँ पर नहीं बोला, अब आपको खुद ही दिमाग लगाना होगा, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, क्राउडिंग से, ठीक है। SN2 रिएक्शन जो है लेस क्राउडेड सिस्टम को फेवर करता है, और SN1 रिएक्शन जो है मोस्ट क्राउडेड
अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है, कहने का उसमें उसका रेट ज्यादा होता है। क्यों रेट ज्यादा होता है? क्योंकि जब यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन को क्राउडेड सिस्टम स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये बात तो पता लग गया कि ये SN1 रिएक्शन है। अब SN1 रिएक्शन का रेट अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि रेट जो है केवल अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, RDS पर। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए सही मायने में आप SN1 रिएक्शन का रेट जो है वो तो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। क्यों नहीं डिपेंड करता है? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा फास्ट स्टेप में अटैक करता है। ठीक है, और फास्ट और रेट जो है हमेशा स्लो स्टेप से निकाला जाता है। तो चूंकि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, केवल अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो अब आप न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी ज्यादा बढ़ा दीजिए भाई घटा दीजिए, SN1 रिएक्शन के सेहत पर बोले तो उसके रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों 89 में कहता है एज्यूमिंग, ये भी देखिए वैसे ही SN1 रिएक्शन ही है। ठीक है, एज्यूमिंग नो अदर चेंजेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डबलिंग बोथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन कैसा है बच्चों, अभी देखिए यही क्वेश्चन तो था। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन है, कैसे तो यहाँ पर क्राउडेड सिस्टम है। तो SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो केवल डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी दे हमें उससे मतलब नहीं, हमें केवल देखना है अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया है। इफ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डबलिंग बोथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डबल किया गया है तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से ये इंडिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल से इसको कोई मतलब नहीं है। तो बताइए 89 का क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब 90 में बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स SN1 फास्टेस्ट रेट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से सबसे पहला नंबर लिविंग ग्रुप देखिए, तो इन दोनों ऑप्शन में आयोडीन दिख रहा है, इन दोनों में ब्रोमीन दिख रहा है, तो जिसमें ब्रोमीन दिख रहा है उसको सबसे पहले नंबर हटा दीजिए। ठीक है, अब आयोडीन में बात करेंगे और रिएक्शन है अपना SN1, तो SN1 रिएक्शन आप जानते हो कि 3 डिग्री में सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। कारण क्या है, SN1 रिएक्शन जो है मोस्ट क्राउडेड सिस्टम को फेवर करता है। फेवर करने का मतलब जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये है बच्चों देखिए 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, तो स्वाभाविक बात है 2 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब 91 में बात करें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन, फिर से वही वाली बात कर दिया इसने। तो सब में जैसे देखिए आप सबसे पहला नंबर देखिए लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप देखिए इसमें क्लोरीन दिया हुआ है और इन सब में देखिए ब्रोमीन दिया हुआ है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है क्लोरीन लेस करने का मतलब क्लोरीन जो है अच्छा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप नहीं है जितना अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन है। क्यों, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा वो उतना ही कस के बॉन्ड बनाए हुए रहेगा, वो उतना ही मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहेगा। ठीक है, इसलिए क्लोरीन वाला नहीं होगा। अब इन तीनों में बात करें तो इन तीनों में देखिए बच्चों ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो आप जानते हो कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा होता है, तो स्वाभाविक बात है सी का सबसे फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब 92 में बात करें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहता है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए बताइए, आप खुद ही बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो केवल अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कहता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सही बात है, SN1 रिएक्शन का जो रेट है उसको न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बढ़े घटे उससे जो है रेट पर भी कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बताइए 92 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।